नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वाट है नाव में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप नो इंटरनेट एक्सेस और लिमिटेड एरिया कनेक्शन को की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, क्या आप देख सकते हैं इसके कई रीज़न हो सकते हैं कि आपका कंप्यूटर में लिमिटेड एरिया कनेक्शन दिखा रहा है। तो मैं आपको विंडोज़ 10 में बता रहा हूँ। विंडोज़ 10 में आप इस पर क्लिक करेंगे, नेटवर्क पे, नेटवर्क सेटिंग्स, चेंज एडेप्टर सेटिंग्स। आप देखेंगे इसमें प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाके आप देखेंगे यहाँ पे आईपी डला हुआ है। ये आईपी डला हुआ है। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है कि आईपी किसी कंप्यूटर ने ले रखा है, फिर मैं इसको ऑप्टेन ऑटोमेटिकली पे कर देता हूँ। ओके किया और देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आप जो आईपी आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे आईपी डाल देता हूँ 192.168.1.1.8 में डाल देता हूँ, 192.168.1.1 गेटवे डाल दिया, DNS में डाल देता हूँ 8.8.8.8, ये एयरटेल का DNS है, 4.4.4.4। अब मैंने ओके कर दिया, फिर भी देखो मेरा लिमिटेड एरिया कनेक्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये में जो मेरा आईपी है ये DHCP सर्वर के थ्रू ऑलरेडी कोई इसको यूज़ कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको ऑटोमेटिक पे कर देना है। जाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक, DNS को एज इट इज रहने दें, फिर भी ये चलेगा। देखिए प्रॉब्लम सॉल्व। तीसरा सिनेरियो एक और हो सकता है कि लिमिटेड एरिया कनेक्शन का, कि आपका कंप्यूटर किसी वजह से आईपी नहीं ले रहा है, या तो उसका का लाइन केबल लूज है, ड्राइवर में प्रॉब्लम है। तो एक और आप कर सकते हैं, कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिए, मैनेज, मैनेज में जाने के बाद आप अगर आपका कंप्यूटर DHCP पे है और आईपी आपका कंप्यूटर DHCP से ले रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे आपको, तो यहाँ पे आपको शो करेगा, ये देखिए यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर्स, नेटवर्क एडेप्टर पे ये मेरा लाइन नेटवर्किंग एडेप्टर है। ये टिक नहीं करना है, ये अनइंस्टॉल कर दिया मैंने। और देखिए यहाँ पे मेरा नेटवर्क केबल इज अनप्लग दिखा रहा है। फिर हमें क्या करना है, इस पर फिर से क्लिक करना है सर्च करने के लिए। ये क्या करेगा, फिर से ड्राइवर को इंस्टॉल करेगा और आपकी प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक तीसरा ये सीनरी था। देखो आपका कंप्यूटर आईपी नहीं ले रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। सपोज आपका लैंड केबल ख़राब है, या जहाँ से आपने कनेक्शन ले रखा है वहाँ से यहाँ पे आईपी नहीं आ रहा है, या आपका कंप्यूटर पे ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, तो आपने जो कंप्यूटर पे एयरटेल का आपने लगा रखा है, किसका लगा रखा है, वो उस पे जो है आपका पीछे से आईपी नहीं मिल रहा है। ये तीन चार चीज़ें आपको चेक करनी होगी कि आपके कंप्यूटर में आईपी डला हुआ है या नहीं है, या कौन सा आईपी है, ये चीज़ आपको चेक करना है। सपोज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा कंप्यूटर में अभी कोई आईपी नहीं है, मैंने इसको ऑटोमेटिक पे कर रखा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आईपी चेक करने, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है, सेम आईपी किसी और को तो नहीं ले रहा है। अगर आपका DHCP एनवायरनमेंट है तो आपको देखना है कि आपके कंप्यूटर में जो आईपी यूज़ हो रहा है मैनुअल तो नहीं डला हुआ है। मैनुअल डला हुआ है तो हो सकता है कोई और उस आईपी को यूज़ कर रहा हो, तो लोकल एरिया कनेक्शन जो है लिमिटेड दिखाएगा, लिमिटेड एरिया कनेक्शन। नंबर तीन, अगर आपका DHCP नहीं है, मैनुअल आईपी है, तो उस पर आपको चेक करना है कि कहीं दो कंप्यूटर का आईपी सेम पे कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करके और सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो